नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स हैं हमारे पास और उसके साथ में एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी के भी लेवल्स चेक कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टॉक बीपीसीएल। सो टुडे वी मेड अ कॉल ऑन बीपीसीएल एंड ऑलरेडी आई मीन प्रीवियसली आल्सो पीपल हु आर होल्डिंग फ्रॉम 420 लेवल्स अगेन टुडे गॉट इट बैक टू 430 लेवल। एंड आप लोगों को भी पता है, टेलीग्राम में स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि बीपीसीएल में हमारे पास होल्डिंग बनी हुई है, राइट। और जब बीपीसीएल 400 के लेवल पे आया तब भी मैंने आप लोगों को वीडियो में भी रिकमेंड किया कि फिर से इस पे थोड़ा ऐड कर लो, टॉपअप रिचार्ज कर लो इसका। तो दोस्तों आज ये 430 देखिए बन गया और जिन्होंने भी 420 पे ऐड किया फिर 400 के लेवल पे ऐड किया तो उनके लिए आज एक तरह से जो भी एवरेज किया उसमें थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल गया होगा, राइट। अभी हम लोग अपने पोर्टफोलियो में इसको होल्ड करके रखे हैं, 440 के आसपास निकालेंगे बिकॉज क्वांटिटी थोड़ी कम है, इसलिए उसमें ज्यादा पैसा चाहिए निकालने के लिए। एटलीस्ट बेनिफिट 20 पॉइंट्स का तो होना ही चाहिए, राइट। सो वी आर होल्डिंग बीपीसीएल। और अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर एक ब्रेकआउट आया है दोस्तों। अब ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाए, हालांकि अच्छा ब्रेकआउट है एंड इट शुड टच 440 बाय टुमारो। सो लेट्स सी इफ इट डज और नॉट। सो 430 और 440 के इंट्राडे में भी आप इसमें टारगेट ले सकते हो। सो पीपल हु आर प्लानिंग टू आई मीन गो फॉर इंट्राडे इन बीपीसीएल दे कैन गो विद 440, 437 एंड 440 लेवल्स। अब चलिए नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास, दैट इज अपोलो टायर। दोस्तों अपोलो टायर क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहां से इसने फाइनली उठना स्टार्ट कर दिया है, राइट। बेस बना के यानी कि एक लो इसने आपको दिया था यस्टरडे एंड इट वाज 109। 109 के बाद में आज यहाँ पे 2 दिन से लगातार इसमें बाइंग दिख रही है और एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर है, एक माइल्ड रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करना जरूरी है। अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करने लगता है बीपीसीएल, सॉरी अपोलो टायर, एंड दैट रेंज इज नथिंग बट दिस इज 118। तो 118 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगेगा तो फिर इस पे आप पोजीशन बना सकते हो 124 से लेकर के 127 के लेवल्स के लिए इन अपोलो टायर। और जब भी गिरे इस पे थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाओ। एंड इफ यू ऑनेस्टली आस्क मी फॉर लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 1 to 2 ईयर्स देन अपोलो टायर मिनिमम आई मीन 160 180 लेवल्स तो आपको देगा ही। और एक बार अगर ब्रेकआउट आता है 140 के ऊपर, अगर ब्रेकआउट आता है तो आई बिलीव इसमें एक तेज मूवमेंट रहेगा और वो हो सकता है इसको 200 प्लस भी ले जाए अपोलो टायर को। तो थोड़ी नजर बना के रखिए स्टॉक पर। देन थर्ड स्टॉक इज मन्नापुरम। मन्नापुरम को दोस्तों मैंने टेलीग्राम में भी बोला, ट्विटर पे भी बोला और इवन लास्ट कल तो वीडियो अपलोड किया नहीं था, आई थिंक लास्ट जो भी ट्यूसडे के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया था उस पे चेक कीजिएगा या तो मंडे को। इन्हीं दो यानी इसी वीक में जो मैंने वीडियोस अपडेट किए हैं, अपलोड किए हैं स्टार्टिंग में, उन्हीं में आपको मन्नापुरम दिख जाएगा। तो मन्नापुरम ने देखिए एक लो बनाया वन, अगर ये लो देखोगे आप कल का 139 140 के आसपास का, फिर वहां से ऑलमोस्ट 147 की क्लोजिंग दे रहा है एंड दिस स्टॉक इज स्टिल गुड। अगर आपने ऐड कर लिया इसको रखे रहो एंड होल्ड इट फॉर 155 एंड 160 लेवल, पोजिशनल इसको रखो 160 तक रखो। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू होल्ड फॉर मिनिमम 8 9 मंथ्स 6 मंथ देन होल्ड इट फॉर 180 लेवल एटलीस्ट। सो दिस इज अगेन वेरी गुड स्टॉक फॉर पोर्टफोलियो, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है। देन नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास अदानी गैस। दोस्तों इस बात पर एंड आई बिलीव कोई ना कोई तो जरूर होगा जो अभी वीडियो देख रहा होगा और उसको पता होगा कि मैंने उनको बोला था अदानी गैस कैन बी अ नेक्स्ट अदानी ग्रीन, और वो आपको दिख रहा है नॉट इवन फ्रॉम 150 लेवल। व्हाट्सएप मेंबर्स आप लोगों को भी मैंने पहले ही बोल रखा था अदानी गैस को रखे रहो, समय दो, इसमें बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है, जब भी नीचे आए और ऐड करो। आज आप लोग देख सकते हो दिस इज 200 प्लस
और ये स्टॉक आपको अभी और ज्यादा परफॉर्म करता दिखेगा, ऑल टाइम हाई बना चुका है ये स्टॉक अदानी गैस, राइट, एंड दिस इज गोइंग टू बी नेक्स्ट अदानी ग्रीन। और ये इसका मैं आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, और मैं पहले भी कई बार बोला हूं अदानी गैस के लिए, दिस इज अनदर अदानी ग्रीन, होल्ड करो, 300 के लेवल भी आएंगे, इस चीज को आप मार्क करके रख लो, 300 के लेवल भी देगा विद इन 1 ईयर अदानी गैस। और हो सकता है कि ये मैं 1 ईयर की बात कर रहा हूं, आपको नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स में भी देखने को मिल सकते हैं इसमें। देन नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस कल रात में जिन्होंने भी मुझसे, कोई तो सज्जन है, उन्होंने मुझसे कल रात में ही पिंग करके पूछा था, मैंने उनको बोला था कि 2010 यानी 2010 का स्टॉप लॉस रख करके इसको होल्ड कर लो 2300 के टारगेट के लिए, एंड आफ्टर 2300 2360 एंड 2450 तक के मैंने उनको टारगेट कल ही बता दिए थे। और फाइनली आज अगर आप देखोगे रिलायंस में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट बना हुआ है, राइट, बहुत ही सही ब्रेकआउट आया है दोस्तों। अब ये कम से कम आपको, और हाँ एक चीज मैं और देखिए, ये तो कल जिन्होंने पूछा उन्होंने पूछा, मैं आपको बता दूं पहले भी मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि मुकेश अंबानी इतनी आसानी से रिलायंस को मतलब यही 2000 के अंदर नहीं रहने देंगे, ही विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक दिस स्टॉक 3000-5000 लेवल। तो इसको जिन्होंने भी होल्ड करके रखा है रखे रहिए, कोई जल्दी नहीं है, इवन 2400-2500 में भी निकालने की कोई जल्दी नहीं है, रखे रहो, अगर डाउन आता है तो फिर से ऐड कर लेना थोड़े। ओवरऑल आई बिलीव विद इन 1 और 2 ईयर दिस स्टॉक शुड शो यू एटलीस्ट 3000-5000 लेवल्स, तो उस हिसाब से आप इस पे प्लान कर सकते हो। देन नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को आप लोगों को याद होगा, अब बॉय एक लड़के की स्टोरी सुनाई थी, और वो जो लड़का था यहीं कहीं आई थिंक 520 के आसपास में एक्युमुलेशन कर रहा था, राइट, और उसके बाद में उस लड़के ने 800 के लिए बोला था कि होल्ड करूंगा, हालांकि इंडसइंड बैंक जो है वो उसने हाई लगाया 712 का फिलहाल 1 वीक बैक 31 अगस्त को। अभी भी दोस्तों इस पे स्टॉप लॉस रखिए अपना 580 का, बने रहिए अगर आपने रिसेंट में ऐड किया है, और अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर रहे हैं तो 480 का स्टॉप लॉस रख करके इसको बेझिझक होकर के बिल्कुल होल्ड करके रखिए, जब तक कि आपको 800 के लेवल ना दे दे। फिलहाल बुलिश है, और इंट्राडे में मैं बता दूं इंडसइंड बैंक आपको 640 के लेवल कल शो कर सकता है, इस पे अगर आपको एंट्री बनानी इंट्राडे में वेट कीजिए, 625 के ऊपर अगर कंटिन्यू करता है तो 635 से लेकर के 640 के आपको इंट्राडे में लेवल दे देगा आपके हाथों में, आप उसको ले सकते हो, और स्टॉप लॉस रखना मत भूलना, दैट इज 620। एंड इसके अलावा नेक्स्ट स्टॉक है सन फार्मा, राइट दोस्तों, आप लोगों को अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, दैट इज नॉट द ग्रुप, लेट मी क्लियर दिस इज ब्रॉडकास्ट लिस्ट, अगर आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होना है व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, तो आप एंजल ब्रोकिंग में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो यूजिंग माई रिफरल लिंक, और मेरा रिफरल लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको दे दूंगा, सो यू कैन गेट द रिफरल लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो डाउन साइड, एंड ऑल्सो यू कैन ओपन अकाउंट इन अपस्टॉक, दैट लिंक इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर इन द डिस्क्रिप्शन। सिमिलरली निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाते हैं। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अकाउंट तभी आप ओपन करना जब आप रियली इसमें ट्रेड करना चाहते हो, इफ यू डोंट वॉन्ट टू ट्रेड देन प्लीज डोंट ओपन द अकाउंट। देन नेक्स्ट स्टॉक इज सन फार्मा। सन फार्मा अगर आप देखोगे इसने रिसेंट में एक लो बनाया हुआ था, दैट वाज ऑलमोस्ट 490, एंड इट इज कम्प्लीटली इट्स सपोर्ट आल्सो, राइट, अपने सपोर्ट के पास में आकर के इसने रिवर्स लिया, 490, 485 एंड 475 ये इसके जो सपोर्ट है सन फार्मा के, अच्छे खासे सपोर्ट है। अभी एक इस पे अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस के पास में क्लोजिंग भी दे रहा है, राइट, रेजिस्टेंस के पास पास में इसने क्लोजिंग दी है, कल फिर से अगर ये 508, जी हाँ
508 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगता है तो फिर आप इसको एक्चुअल एक रेजिस्टेंस 512 का और मिलेगा, बट 508 के ऊपर अगर ये रहता है और फार्मा इंडस्ट्री कल परफॉर्म करने के मूड में दिखती, देन डेफिनेटली सन फार्मा आपको एक बड़ा मूव दे सकता है, 517 to 520 के लिए देगा इंट्राडे में। प्लस जिन लोगों को पोजिशनली होल्ड करना है, दिस इज ऑल्सो अ गुड लेवल। आई मीन 506 में अगर आप सनफार्मा को ऐड करते हो, ऐड रखे रहो, अगर आपको 470 पे मिल जाए यू आर लकी, ऐड अगेन, वेरी सिंपल। या फिर आप 490 का स्टॉप लॉस रख के वहां से एग्जिट कर जाओ, 470 480 का वेट करो, मे बी ना आए तो फिर वही चीज हो जाएगी, आप लॉस में निकल जाओगे। तो बेटर है होल्ड करके रखो, अगर आपको थोड़े आई मीन 3-4 मंथ्स के लिए होल्ड करके रखना है। एंड लेट मी आई मीन माई एक्सपेक्टेशन इन सन फार्मा इज 650 to 700 लेवल विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स सन फार्मा कैन शो अस 660 to 700 लेवल, एंड करेंट प्राइस इज 506। ओके, 560 रिसेंट में ये बना चुका है, लेट इट मेक 600, देन 660 एंड देन 700। तो पोजिशनली जिनको होल्ड करना है, मन्नापुरम उठा लो भाई, सन फार्मा उठा लो, इंडसइंड उठा सकते हो, आरबीएल बैंक उठा लो सर, एंड देन अपोलो टायर उठा सकते हो, बीपीसीएल इज ऑल्सो गुड बट फॉर इंट्राडे। देन नेक्स्ट स्टॉक इज बायोकॉन। बायोकॉन अगेन 390 380 तक गया, आप लोग बड़े परेशान थे, फाइनली देखिए इट इज बैक टू 430 लेवल, राइट। अभी 430 के ऊपर रेजिस्टेंस इसमें 440 के लेवल पे आएगा, तो जिन लोगों ने भी होल्ड किया हुआ है, 430 के आसपास बाइंग लगाई थी या 440 पे बाइंग लगाई थी, वो लोग वेट कर ले, उनको भी उनका भी लेवल बहुत जल्द दे देगा बायोकॉन, तो उस पे आप लोग बने रहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे ऐड होना है, देन यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, दैट इज एनआरजे फाइनेंस, सर्च कीजिए, दैट इज कंप्लीटली फ्री, यू कैन ज्वाइन देयर। एंड ट्विटर में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके साथ में कुछ और स्टॉक बताता हूँ, टेलीग्राम की चलिए बात आई है, राइट। तो टेलीग्राम में मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट को शेयर किया हुआ है, उसको रख लो, 3880 के ऊपर क्लोजिंग आई है उसकी, इवन 3900 के ऊपर क्लोजिंग आई है, उस स्टॉक को रख लो दोस्तों, 4000 के लेवल आपको दे देगा बहुत जल्द। देन नेक्स्ट स्टॉक लेट मी टॉक अबाउट पीएल। पीएल को भी रखो अपनी नजर में, जाने मत दो उसको, वो भी अच्छा मूव देने के लिए बिल्कुल ट्राई कर रहा है। देन नेक्स्ट स्टॉक इज एमजीएल, महानगर गैस, राइट। तो इन सभी स्टॉक्स पे नजर रखो, ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं ये सारे स्टॉक्स, तो आप वहां से इन स्टॉक्स को देख सकते हो। देन कमिंग बैक टू निफ्टी 50 लेवल, तो निफ्टी 11,160 का जो एक सपोर्ट था उसके आसपास आया ये कल, यानी 11,185 तक आया, वहां से रिवर्स ले लिया है, हालांकि स्टिल इट इज नॉट बुलिश, वी कैन नॉट से दिस इज बुलिश। सो रेजिस्टेंस अभी निफ्टी में जो है दैट इज 11,460 का रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट, और इसके ऊपर भी अगर ये दोस्तों कंटिन्यू करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इस पे जो बनेगा ऑलमोस्ट 560 से लेकर के 590 तक के लेवल पे ये आपको, यानी नेक्स्ट आप ये मान के चलिए 100 पॉइंट्स तक में आपको दो रेजिस्टेंस दिख जाएंगे ऑलमोस्ट। एक तो मिलेगा आपको ऑलमोस्ट 530 से लेकर के 535 पर, एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी अराउंड 11,580। तो इन दोनों के ऊपर क्लोजिंग जब दे दे, जब ये बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न आप जो देख रहे हो बना था, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी थी और उसके पहले का जो एक ये हाई लगा हुआ है, लेट मी ओके हाँ, इसके पहले का अगर ये वाला जो आप हाई देख रहे हो, एटलीस्ट इसके ऊपर जब ये क्लोजिंग देता है, एंड दिस लेवल इज 11,670 लेवल, तो जब तक 670 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता इस पे ज्यादा बुलिश होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अगर आई मीन ब्लाइंड होकर के बिल्कुल इसके निफ्टी फ्यूचर को लॉन्ग करके पोजिशनली होल्ड मत कीजिए एटलीस्ट, और लेट इट गो अबव दिस 680, तभी आप उस पे 11,780 एंड 12,000 लेवल आप उस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसके जो इंट्राडे के लेवल्स है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वो सारी चीजें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा मैं। कमिंग टू बैंक निफ्टी, दिस इज अगेन दोस्तों अगर आप इसका देखोगे 23,000 ने एक अच्छा खासा इसके लिए रेजिस्टेंस का काम किया, आज का जो हाई लगा हुआ है 22,700 यानी कि 677 के आसपास का हाई लगा हुआ है, अभी भी इस पे 23,000 का जो लेवल है उसको क्रॉस करने दो, उसके बाद में ही आप इस पे थोड़ा बुलिश होने होने की आई मीन थोड़ा बुलिश होने की जरूरत है।
बाकी डे में स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट बुक करो। मार्केट कंप्लीटली जिगजैग चल रही है, आज ऊपर कल नीचे। और ऐसे ही आप मेटल सेक्टर के स्टॉक्स ले लो, जेएसडब्ल्यू स्टील। परसों आई मीन डे बिफोर यस्टरडे इट वाज कंप्लीटली डाउन, अगेन यस्टरडे इट केम अप लाइक अ रॉक स्टार, अगेन इट केम डाउन टुडे। सेम थिंग विद टाटा स्टील। इंडिगो पे नजर रखिए दोस्तों, इंडिगो भी आपको रिवर्सल देने के मूड में है। ऑलरेडी 1230 से 1260 दे चुका था, बट अभी थोड़ा कंसोलिडेट होने के बाद में एस्कॉर्ट और इंडिगो दोनों पे नजर रखिए। एस्कॉर्ट फॉर 1200, इंडिगो फॉर 1300 लेवल्स। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्लस यस, बैंक निफ्टी के जो आपको लेवल्स हैं वो मैं दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। थैंक यू।